हाय एवरीवन, मैं हूँ रक्षा और रक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपकी रक्षा फिर से हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपके लिए दो तरह के वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे आप घर पर ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या बच्चों को स्कूल के लंच में रख सकते हैं। बच्चे बड़े ही खुशी खुशी इन वेजिटेबल्स को खाएंगे। बच्चे क्या बड़े भी बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं और बहुत ही टेस्टी भी हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं दो तरह के वेजिटेबल सैंडविच बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने तवा रखा है और तवा में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी को हम मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो हम इसमें रखेंगे पनीर के कुछ स्लाइसेस, जिनको हमने लंबे शेप में काट लिया है, और ऊपर से हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देते हैं ज़रा सा ही। और अब इन पनीर के स्लाइस को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि आपको पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना जो पनीर है बहुत कड़ा हो जाता है और रबड़ की तरह खिंचने लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमने इनको हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। इस तरह से हम दोनों तरफ पनीर को हल्का फ्राई कर लेंगे, तो इससे इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लीजिए, हमने दोनों तरफ पनीर को फ्राई कर लिया है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इससे पनीर का कच्चापन भी दूर हुआ और पनीर जो है अच्छा टेस्टी भी लगेगा। और अब हम फिर से डालेंगे तवा पर थोड़ा सा घी। और अब हम कुछ सब्जियां यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रख रहे हैं टमाटर। सभी सब्जियों को हमने गोल स्लाइस में काट लिया है। टमाटर रखेंगे, फिर हम रखेंगे यहाँ पर प्याज, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में आपको कट करना है। और अब हम रखेंगे यहाँ पर शिमला मिर्च। आप अपने मन मुताबिक सब्जियाँ डाल सकते हो, आप चाहे तो गाजर डाल सकते हो, बीन्स भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर हरी मिर्च रख रही हूँ। और सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पर हल्का सा कुक कर लेंगे। हल्का सा ही पकाना है, सॉटे करना है सब्जियों को, ताकि जो कच्चापन है वो दूर चला जाए। लेकिन आपको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना इनका जो क्रंच होता है ना वो चला जाता है। तो थोड़ा सा हम नमक सब्जियों में भी स्प्रिंकल कर देते हैं। और अब हम टमाटर को पलट लेंगे, प्याज को पलट लेंगे, तो इनमें हल्की सी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तो सब्जियाँ जो हैं कच्ची नहीं लगेंगी। ये देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। कोशिश करिएगा कि सब्जियाँ ओवर कुक ना हो, क्योंकि जो क्रंच होता है वही बहुत टेस्टी लगता है वेज सैंडविच में। तो लीजिए, हमने सभी सब्जियों को पलट लिया है और अब हम चलते हैं सैंडविच बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने दो ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। और एक ब्रेड में मैं लगा रही हूँ ग्रीन चटनी। ये नॉर्मल घर की बनी हुई चटनी है, आप टमाटर की, अमरूद की कोई भी चटनी लगा सकते हो। सपोज़ दैट घर पर चटनी नहीं बनी है तो आप चिली सॉस का यूज़ भी कर सकते हो। और दूसरी में हम लगाएंगे टोमेटो केचप, तो आप टमाटर की मीठी चटनी भी लगा सकते हो। तो ये जो सैंडविच हैं, जो लोग तीखा पसंद करते हैं उनके लिए स्पेशल हैं। तो दोनों लेयर हमने तैयार कर ली हैं। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाल रही हूँ बटर। तो बटर इस तरह से डालने से जब ये मेल्ट होगा तो बहुत बढ़िया बटरी फ्लेवर आएगा। तो बटर थोड़ा सा फ्रिज से निकाला है, सर्दी का मौसम है तो जमा हुआ है, इसलिए मैं इसको ग्रेट करके डाल रही हूँ। अगर सॉफ्ट बटर है आपके पास तो उसको आप स्प्रेड करके भी लगा सकते हो। तो हमने बटर अच्छे से दोनों ब्रेड में लगा दिया है, ग्रेट करके डाल दिया है। और अब हमने जो सब्जियां कुक करके रखी हुई थी उन सभी सब्जियों को हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं टोमेटो और ऑनियन, और इसी के ऊपर हम रखेंगे जो हमने हरी मिर्च काट करके रखी हुई है। और हरी मिर्च को भी हम सेट कर देते हैं, तो आप जितनी सब्जियाँ चाहे इतना लगा सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ लगाइए, हेल्दी होती हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा ही डालेंगे हम चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है और कुछ हमने सब्जियों में भी स्प्रिंकल किया था, तो बिल्कुल बैलेंस है नमक। और ऊपर से अब हम लगाएंगे पनीर के स्लाइसेस। तो यहाँ पर आप चाहे तो चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर आपके बच्चों को चीज़ पसंद है। और पनीर के ऊपर हम रखेंगे शिमला मिर्च। तो लीजिए, अब हम इसको ऊपर की लेयर को इसके ऊपर रख देते हैं और इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। तो चलिए, अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम डालेंगे बटर और इसको हम बटर में सेकेंगे, आप घी में भी सेक सकते हो। और अब हम इस ब्रेड को अच्छे से हम दबाते हुए सेकेंगे। तो आपको अच्छे से दबाते हुए मीडियम फ्लेम पर सेकना है। मीडियम फ्लेम पर ब्रेड बहुत ही क्रिस्पी सिकती है, तो हम थोड़ा सा ऊपर भी बटर लगा देते हैं। इसको हम पलट लेंगे, तो देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सैंडविच हमारे सिक रहे हैं। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ भी सेक लेते हैं। तो लीजिए, नीचे की तरफ भी बहुत अच्छे से सिक चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक तरह का हमारा सैंडविच बन करके तैयार है। तो चलिए, मैं इसको काट करके आपको दिखा देती हूँ।
तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लगता है और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए इस तरह से अंदर से कुछ है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये तो था हमारा पहला सैंडविच, तो चलिए दूसरा सैंडविच भी हम बनाना सीख लेते हैं। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो तीखा नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 चम्मच टमाटर बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ और 2 चम्मच फाइन चॉप की हुई प्याज। मैं बिल्कुल बराबर रेशियो से सब्जी ले रही हूँ, आपके बच्चे जैसी पसंद करते हो सब्जी उस हिसाब से आप मिला सकते हो। 2 चम्मच मैंने लिए यहाँ पर शिमला मिर्च। और अब हम थोड़ा सा पनीर लेंगे, पनीर को हम ग्रेट करके डालेंगे। तो यहाँ पर आप पनीर की जगह चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमने पनीर को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो इसकी जगह आप सीजवान चटनी या फिर टोमेटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें हम जाएगा थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जाएगा नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पर थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। तो अब हम सबको मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी सैंडविच की स्टफिंग। और यहाँ पर हम फिर से 2 ब्रेड लेंगे और इसमें हम फिर से थोड़ा सा बटर ग्रेट करके डाल देते हैं। इससे सैंडविच में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और अब हम यहाँ पर चटनी नहीं बिछाने वाले हैं क्योंकि हम इसको बिल्कुल तीखा नहीं बनाएंगे। अगर आपके बच्चे तीखा पसंद करते हैं तो इसमें आप मिर्च डाल सकते हैं। तो मैं स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ या जो बच्चे तीखा नहीं खाते उनके लिए। तो हमने जो स्टफिंग बना करके तैयार की थी उस स्टफिंग को हम अच्छे से बिछा देते हैं। तो लीजिए इसको हम ऊपर से लगा देंगे और इसको प्रेस कर देते हैं। तो इसको भी हम चलते हैं गैस की तरफ और सेक लेते हैं। सेम प्रोसेस में थोड़ा सा बटर डालेंगे और सैंडविच को हम रख देते हैं और इसको भी हम स्पैचुला से दबाते हुए अच्छे से नीचे की तरफ सेक लेंगे बिल्कुल क्रिस्पी मीडियम फ्लेम पर। और हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो लीजिए हमारा दूसरा सैंडविच ही बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको भी हम कट करके दिखा देते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लगता है। तो कभी आप इस तरह से बना सकते हैं, कभी दूसरे तरह से बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को भी आप लंच में रखिए, पूरा का पूरा लंच फिनिश हो जाएगा। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वेज सैंडविच की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो ज़रूर करें।